दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। बुधवार को विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में द बिगनर्स संस्था ने भाषा कला एवं संस्कृति विभाग शिमला और गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी शिमला के सहयोग से रंगकर्म संगोष्ठी एवं नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को 2 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें पहले सत्र के दौरान पुस्तक विमोचन एवं रंगकर्म संगोष्ठी व दूसरे सत्र में नाट्य प्रस्तुति का आयोजन हुआ। आज विश्व रंगमंच दिवस है और हम जो शिमला में हमने कार्यक्रम रखा है, एक तो हमने रंग संगोष्ठी रखी है जिसमें हमारे शिमला के जो संपादक है भारती कुठियाला जी, उनकी पुस्तक का विमोचन होना है और उसके बाद रंगमंच पर परिचर्चा होनी है, जिसके लिए हमारे बाहर से भी जो गेस्ट आए हैं वो अलग अलग विषय पर रंगमंच से संबंधित ही चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारा शाम को हमने नाटक रखा है गेटी थिएटर में, जो गॉथिक हॉल है हमारा, वहाँ पर हमने 2 परफॉर्मेंसेस होनी है। एक है द्रौपदी, जिसका निर्देशन और लेखक जो है हमारे असीमा भट्ट मैम है, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक है और इन दिनों मुंबई में जो है काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा नाटक है द प्रपोजल का, हमने पहाड़ी रूपांतरण किया है जिसका नाम रखा है हमने बिष्टी लाणी, और उसका निर्देशन जो है मैंने किया है और ये दोनों एकांकी है और 45 से 50 मिनट की जो है ये परफॉर्मेंसेज रहेगी। हमारे आज की जो मुख्य अतिथि है वो है श्री बलवंत ठाकुर जी, जो कि बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम से ही पता चलता है कि कौन है। और दूसरे है हमारे जो विशिष्ट अतिथि है वह है रीटा वशिष्ठ जी, और हमारे जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष है वह श्री श्रीनिवास जोशी जी। नमस्कार, मेरा नाम असीमा भट्ट है और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्नातक हूँ, 2000 बैच की पास आउट हूँ। मैं इन दिनों मुंबई में रहती हूँ, वैसे मैं शिमला कई दफ़ा आ चुकी हूँ, कभी शूटिंग के सिलसिले में, कभी यहाँ मेरी कुछ फैमिली जैसे लोग थे उनसे मिलने, और कभी घूमने। तो इस शहर से एक पुराना रिश्ता है, प्यार है। मुख्य अतिथि भी आप पास में हैं, किस तरह देखते हैं रंगमंच जो आज विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और बहुत इस बात को शिद्दत से महसूस करती हूँ कि जहाँ एक तरफ रंगमंच को लोग एक निचली पैदान पर रखते हैं, सेकेंडरी मानते हैं, मैं बहुत माफ़ी मांगते हुए कहना चाहूँगी कि आज सिनेमा की जगह पर जब थिएटर की बात होती है तो ऐसे बात करते हैं जैसे थिएटर करने वाले दलित हैं, जबकि यहीं से सब कुछ का विकास हुआ। चाहे आज फिल्म देख रहे हो आप, टीवी देख रहे हैं, तो हमारा जो रूट है वो थिएटर है, रंगमंच है। और बार बार जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जो अच्छे अभिनेता हैं, उनका ये मानना है कि अगर आपने थिएटर नहीं किया, यानी रूट आपका, बेस नहीं, जड़ आपकी मजबूत नहीं है, तो आप फिल्मों में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में 27 मार्च जो कि विश्व रंगमंच दिवस होता है, उस दिन ऐसे भव्य आयोजन का करना बहुत ही सकारात्मक है। ये समाज में और रंगकर्मियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज आता है, उत्साह का मैसेज आता है। जैसे कि अभी अभी होली गई है, तो हम लोगों के लिए रंगमंच तो होली और दिवाली की तरह है। मैं भारती कुठियाला, सेंसर बोर्ड की अभी सदस्य हूँ, और रंगमंच से क्योंकि जुड़ी हूँ तो एक प्रयास किया है मैंने गेटी के रंगचर, तो उसमें 1970 से लेकर 23 तक जो बेस्ट निर्देशक यहाँ पे काम कर रहे थे उनकी रंगमंच यात्रा, और जो रंगमंच से संबंधित आलेख उनके शामिल किए गए हैं। जैसे रंगमंच एक ऐसा है, मैं समझती हूँ कि उसके अंदर सभी कलाएं समा जाती हैं, और इसी को देखते हुए जो मन सज्जा है, आपकी रूप सज्जा है, इस पर आलेख हैं। और रंगमंच एक ऐसी विधा है जो शिक्षा के साथ जोड़कर आज जो देखा जा रहा है, क्योंकि रंगमंच सिर्फ आपको आत्मविश्वास के साथ बहुत कुछ सिखाता है। तो अभी जो हमारे अमला जी आएंगी वो शिक्षा और रंगमंच की बात कर रही हैं, और रविंद्र त्रिपाठी जी जो हमारा
पाश्चात्य अभी जो है पाश्चात्य रंगमंच की बात, शास्त्रीय रंगमंच की बात करेंगे। और हमारी जो शिमला का गेटी जो है, गेटी थिएटर बना, अंग्रेज़ों ने बनाया, और उन्होंने जब एक अंग्रेज़ शिमला पास्ट प्रेजेंट के बारे में सभी ने सुना होगा, तो उन्होंने लिखा, तभी हम जान पाए कि 1800 में कैसे यहाँ पे कहाँ कौन थिएटर करता था, क्यों गेटी थिएटर की नींव रखनी पड़ी, वो सारी विषयों को समेटते हुए किताब में रखा है, एक दस्तावेज है सब रंगकर्मियों का। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।